हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, कल अपन ने पढ़ा था न्यूट्रिएंट के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको कल बताए थे, लगभग दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक तो होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स को अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये माइक्रो है और ये मैक्रो है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में फॉर एनर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कि बहुत ही लेस क्वांटिटी में, ट्रेस क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स अगर उनको बोल सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 1000 डेल्टन से ज़्यादा होता है, एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है वो 1000 डेल्टन से कम होता है। तो आज अपन थोड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिकॉज अगर अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स के नाम दिए गए हैं, और उसके अंदर बहुत सारा कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि सर स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज क्या है, और ग्लाइकोजन क्या होता है, फिर फ्रक्टोज कहाँ से आ गया। तो देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न इन टर्म्स। ठीक है, तो अपन आज सबसे पहले जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनके टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। सपोज जब स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से माल्टोज और डेक्सट्रीन निकलता है, तो ये क्या चीज़ होती है, मतलब ग्लूकोज क्यों नहीं बनता है डायरेक्ट स्टार्च से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जैसे अपना टॉपिक है मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो आज अपन स्पेशली जिस पे फोकस करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है सिंपल शुगर। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट, शुगर अपन ऐसी चीज़ को शुगर बोल सकते हैं क्योंकि खाने में स्वीट होती है और जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब डेली रूटीन के लिए जो हमें एनर्जी होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड है, मतलब ये हमारे जो फूड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर कोई चीज़ मिलती है, बेसिक कंपोनेंट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी है और हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे सपोज अगर अपन धूप से बाहर से आते हैं तो अगर अपन ग्लूकोज इनटेक करते हैं तो ग्लूकोज डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, बिकॉज ग्लूकोज इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म होता है। ठीक है, देन इट इज कम्पोज ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अप्रोक्सीमेट रेशो ऑफ 1:2:1 रेशो। आप सबने देखा होगा जैसे कि अपन ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो है ये 1:2 रेशो के अंदर आता है। तो जनरली अप्रोक्सीमेट जो रेशो होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है 1:2:1 रेशो। नाउ नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दे आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इसमें सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट क्वांटिटी में जो कार्बोहाइड्रेट इस नेचर के अंदर प्रेजेंट है वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो एबंडेंट क्वांटिटी ऑफ इस नेचर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, मतलब कार्बोहाइड्रेट के भी टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है अब उसको जो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ चेन, पॉलीमर चेन्स ऑफ, ठीक है, इनकी जो एक लॉन्ग चेन बनती है, या फिर कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होते हैं और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो मैंने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है यहाँ पर मोनोसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब होता है ग्लूकोज चेन। ठीक है, द चेन ऑफ ग्लूकोज, मतलब यहाँ पर अगर मोनो का मतलब सिंगल ग्लूकोज की चेन है तो उसको अपन मोनोसैकेराइड बोल देते हैं। डाइसैकेराइड मतलब मोर देन टू, या टू ग्लूकोज की जो चेन होती है उसको डाइसैकेराइड बोल देते हैं। पॉलीसैकेराइड मतलब मोर देन पॉली, नाइन से ज़्यादा अगर कोई चेन होती है तो उसको अपन पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। तो देखो यहाँ पर मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कंपोज्ड ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल सिंपल फॉर्म होती है जो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो सबसे पहली चीज़ जब भी अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं
तो वो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद में वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो सिंपल फॉर्म होती है जो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्बेबल है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म्स है, ठीक है। अब सिंपल फॉर्म है तो ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में इनका होता है ब्रेकडाउन। जब इनका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन, तो इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। देन दूसरे नंबर पे आता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड किसको बोलते हैं? टू और मोर मोनोसैकेराइड्स, मतलब ये दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलकर के अंदर अगर बॉन्डिंग होती है तो उनसे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को अपन बोल देते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के अंदर आता है जैसे माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन टू टाइप्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब इसमें जो ग्लूकोज की जो चेन होती है वो दो से ज्यादा ग्लूकोज इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। देन आते हैं अपन पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, इसके अंदर जो शुगर की बहुत लंबी चेन होती है इसके अंदर लगभग 9 से ज्यादा यूनिट्स प्रेजेंट होती है, मोर देन 9 यूनिट्स, ठीक है। इसके अंदर आता है आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन। तो आपके अकॉर्डिंग कौन से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा? तो यस, पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा बिकॉज इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के अंदर, फिर इसके अंदर फिर डाइसैकेराइड का फिर ब्रेकडाउन होगा एंड देन आफ्टर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है वो होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं होता है, अगर आप सीधा ग्लूकोज को इंटेक करोगे तो ये आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ग्लूकोज इज अ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड शुगर जो आपको हर जगह मिल जाएगी। दूसरा होता है फ्रक्टोज, जो अपन फ्रूट्स खाते हैं फ्रूट्स के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है फ्रक्टोज शुगर, और ये भी डायरेक्टली एब्जॉर्बेबल होती है। गैलेक्टोज शुगर जो होती है हमें मिल्क से मिलती है। डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड के अंदर प्रेजेंट होता है जैसे कि माल्टोज। माल्टोज मतलब इट इज मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज, दो ग्लूकोज से मिलकर ये बना होता है। और माल्टोज जो होता है बेसिकली हमें जितने भी सीरियल प्लांट्स होते हैं जैसे कि माल्ट के अंदर मिलता है या फिर बार्ले के अंदर मिलता है। सुक्रोज, सुक्रोज जो है इसके अंदर भी जो शुगर प्रेजेंट होती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो सुक्रोज जो होता है ये हमें बेसिकली इसको अपन शुगर कैन से ऑब्टेन करते हैं और इसको टेबल शुगर भी बोला जाता है। लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर इज अ मिल्क शुगर जो अपन को मिल्क के अंदर मिलती है और इवन मिल्क के अंदर इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है लैक्टोज की क्वांटिटी। अगर अपन बात करें पॉलीसैकेराइड तो पॉलीसैकेराइड के अंदर आता है सबसे पहले स्टार्च। स्टार्च इज जो हमें मिलता है वो बेसिकली प्लांट सोर्स से मिलता है, जैसे कि राइस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, चपाती के अंदर राइस वो स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो जितने भी प्लांट है उन प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। बनता ग्लूकोज की फॉर्म में है और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, क्लियर। एंड देन आफ्टर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट या जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। देखिए सबसे पहली चीज तो ग्लूकोज है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो परसेंटेज होती है वो 1% के आसपास ग्लूकोज होता है वो ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड अगर इससे ज्यादा क्वांटिटी होती है तो वो ग्लूकोज जो होता है वो लीवर के अंदर या फिर मसल्स के अंदर जाकर के स्टोर हो जाता है, और ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो जब भी हमारी फास्टिंग होती है, फास्टिंग कंडीशन के अंदर ये ग्लाइकोजन सबसे पहले दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज कर पाती है। ग्लाइकोजन जो होता है ह्यूमन बॉडी में रिजर्व होता है, ग्लूकोज जो रिजर्व होता है ह्यूमन बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसी तरीके से फंगस के अंदर भी जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। देन बात करते हैं सेलुलोज। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। सेलुलोज जो आपने देखा होगा कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है बेसिकली वो सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज और सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, और बेसिकली शिप्स के अंदर या फिर काउस की रूमिनेंट एनिमल्स की अगर बात करें तो उनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटोजोआ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा होता है काइटिन, काइटिन इज ऑल्सो पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर्स ऑफ शुगर। काइटिन जो होता है जनरली जितने भी ऑर्थ्रोपॉड्स होते हैं उनकी जो बार वाली शेल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, और काइटिन जो होता है ये ग्लूकोसामाइन इसके अंदर डेरिवेटिव होता है जिसके थ्रू ही काइटिन बना हुआ होता है। तो होप आपको इस समझ में आ गया होगा। देखो मोनोसैकेराइड जो होता है ये सिंपल शुगर शुगर होता है, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड को ऑलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं और इसको रिड्यूसिंग शुगर भी बोल देते हैं, बिकॉज इनके अंदर इनका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद में ये सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इन शुगर्स के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे पैरिडिन टेस्ट हो गया और इसके अलावा आयोडीन टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट अपन शुगर्स के लिए परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।